आरबीआई पैनल ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन कि यार आप यहाँ पे आ तो गए हो बट वट एवर योर वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस. हम लोग कुछ और करते हैं, आप टेक्निकल एरिया में काम करते थे, आपने जो भी पिछले 3-4 साल में सीखा है हमारे कुछ काम का नहीं है. हाउ डू यू आंसर सच ए क्वेश्चन, किस तरह से उससे डील करें? देखिए बहुत सिंपल है इसको समझना. वेन एवर यू वर्क एनी वेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट यू गेट. वन इज़ योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो कि ऑफकोर्स अगर टेक्निकल फील्ड में है, आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर आरबीआई. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आईटी यूजफुल हो सकता है. ऑन दी अदर हैंड यू गेट अ मैनेजेरियल एक्सपर्टीज, जो कि आपको कोई सिखाता नहीं है. एमबीए इज़ दी ओनली एरिया जहाँ पे आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है. सो द मैनेजेरियल एक्सपर्टीज जो आप सीख के आए हो, 2-3 साल में काम करके सीखा है आपने हाउ टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि आप आरबीआई पैनल को बता सकते हो और उनको कन्विंस कर सकते हो कि देखिए सर मैंने ये सीखा है और ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ वन सच थिंग विच इज़ वेरी अंडररेटेड, बट इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. हैंडलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेशली जब वो लोग परमानेंट जॉब में काम कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी लोग काम नहीं करना चाहते समहाउ समवेयर और दी अदर, तो उनसे डील करना, उनसे काम करवाना इज़ नॉट दैट ईजी. तो ये एक आपका आंसर हो सकता है जो कि प्रैक्टिकल भी है और पैनल उसको समझता है, बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग एट द टॉप लेवल, दे हैव बीन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल देयर लाइफ, सो दे अंडरस्टैंड कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को डील करना है और कितना डिफिकल्ट या कितना ईजी वो काम होता है.